लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें सीएम के आदेश के बावजूद डायरेक्टर ने पोस्टिंग दी मंडी परिषद पर, लगे आरोप में थाने में एफआईआर और संजय सिंह के खिलाफ चल रही विभागीय जांच। मंडी डायरेक्टर ने अंजनी ने दागी को पोस्टिंग दी, नोएडा एनसीआर जैसे पास इलाके में ये पोस्टिंग दी गई है। लखनऊ से ये खबर आ रही है जहां पर सीएम के आदेश के बावजूद भी डायरेक्टर ने पोस्टिंग दी है। मंडी परिषद पर लगे आरोप में थाने में एफआईआर भी हुआ और संजय सिंह के खिलाफ चल रही है विभागीय जांच। सीएम के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं अधिकारी। मंडी परिषद पर लगे आरोप में थाने में है एफआईआर और सीएम के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सीएम के आदेश के बावजूद भी डायरेक्टर ने पोस्टिंग दे दी। मंडी परिषद पर सीएम के आदेश के बावजूद डायरेक्टर को पोस्टिंग दी गई है। मंडी परिषद पर लगे आरोप में थाने में एफआईआर भी दर्ज है। संजय सिंह के खिलाफ चल रही है विभागीय जांच, जिसके बावजूद भी मंडी डायरेक्टर ने अंजनी को पोस्टिंग दे दी है, नोएडा एनसीआर जैसे पॉश इलाके में पोस्टिंग दी गई। तो यहां पर खुलेआम सीएम के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मंडी परिषद पर लगे आरोप के बावजूद भी डायरेक्टर को पोस्टिंग दे दी गई है। सीएम के आदेश के बावजूद भी पोस्टिंग दी गई है। संजय सिंह के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। मंडी डायरेक्टर ने अंजनी ने दी दागी को पोस्टिंग, नोएडा एनसीआर जैसे पॉश इलाके में पोस्टिंग दे दी गई है। खुलेआम यहां पर सीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं अधिकारी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज मंडल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी आपके पास है, क्योंकि यहां पर खुलेआम देखा जा रहा है तो सीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि मंडी परिषद के डायरेक्टर अंजनी कुमार ने संजय कुमार सिंह को लखनऊ संबद्ध हेड ऑफिस को संबद्ध थे, उनको नोएडा ग्रेटर नोएडा मंडी में सचिव पद पर उनको तैनात कर दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके ऊपर विभूतिखंड थाने लखनऊ में एफआईआर दर्ज है, और उसके बाद इनके जब ये कानपुर में तत्कालीन कानपुर में जब थे तो इनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे, दुकान आवंटन मामले को लेकर भी इस पर आरोप लगे थे, और उसके बाद जब सहारनपुर में तो मंडी को लेकर भी इस पर आरोप लगे थे। तो तमाम ऐसे आरोपों के बावजूद इनको जब लखनऊ में ये थे तो उसके बाद लखनऊ में जब ये लखनऊ मंडी सचिव के पद पर थे तो इनके ऊपर तमाम सारे मामले के आरोप में थाना विभूतिखंड में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश था कि जो भी कार्रवाई, जो भी लापरवाही अधिकारी होंगे या जिनके ऊपर मामले या जांच चल रहे होंगे, ऐसे अधिकारियों को कहीं पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। उसके बावजूद भी इनको पोस्टिंग दे दी गई नोएडा में। महत्वपूर्ण बात है कि ये मृतक आश्रित में इनकी नियुक्ति हुई थी, उसके बाद ये लगातार लंबे समय से यहाँ पर बने हुए थे, और उसके बाद इनके विभागीय एक विभागीय गार्ड से भी मारपीट हुई थी जिसका चार्जशीट भी लगना है। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के आदेशों की किस तरह से मंडी परिषद में धज्जियां उड़ाई जा रही कि मंडी के डायरेक्टर जो थे अंजनी कुमार सिंह ने इनके ऊपर तमाम आरोप लगने के बावजूद भी इनको नोएडा जैसे एनसीआर जैसे एरिया में मंडी सचिव का पद संजय कुमार सिंह को दिया गया, जो कि बहुत ही चिंतनीय है कि आखिरकार इस तरह से जो आरोप लग रहे हैं, जो जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहे हैं, ऐसे लोग अगर इस तरह से नियुक्ति दी जाएगी तो कहीं ना कहीं आगे चलकर इससे तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कारण यह है कि जो मंडी का काम होता है किसानों के लिए होता है, वहां पे मंडी में जो बाजार का जो भी माल आता है कच्चा पक्का सभी माल मंडियों में होता है, तो कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ी क्षति भी पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि इसमें इनके खिलाफ तमाम जांचें चल रही, विभागीय जांच चल रही, उसके बावजूद भी इनको नोएडा एनसीआर में मंडी के उस पर सचिव पर पद पर इनको तैनात कर दिया गया, पोस्टिंग दे दी गई। तो पंकज, अभी क्या कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सीएम के आदेश के बावजूद भी जिस तरह से आपने बताया कि उन्हें पोस्टिंग दे दी गई है, तो क्या अब कोई कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी? बिल्कुल, इसके लिए इंडिया न्यूज ने जो मंडी परिषद के जो डायरेक्टर दिनेश प्रताप सिंह, इनसे वार्तालाप करने की कोशिश की है, और उनसे जब भी कांटेक्ट होगा तो उनको सारी अवगत करा दें। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री के आदेशों की जो मंडी परिषद के अधिकारी जो डायरेक्टर धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर जांच हुई तो इसमें और भी लोग फंस सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो इनकी पोस्टिंग भी पॉश इलाके में हुई है, नोएडा के किसी पॉश इलाके में इनकी पोस्टिंग हुई है, तो ये एक बड़ी लापरवाही के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए नोएडा एनसीआर दिल्ली से सटा हुआ है, एनसीआर का क्षेत्र है, तो
ऐसे में अगर वहां के मंडी सचिव का पद दिया जाता है ऐसे गैर जिम्मेदारा अधिकारी को, जो कि लखनऊ में लंबे समय से थे, लखनऊ मंडियों में रहने के दौरान इनके पास तमाम सारे आरोप लगे थे। जब कानपुर में थे तो दुकान आवंटन पे आरोप लगे थे, सहारनपुर में थे अनाज आवंटन के आरोप लगे, तो ऐसे में इनके ऊपर FIR भी हुई थी। तो तमाम सारी जो विभागीय जांच है, इनकी मृतक आश्रित में इनकी नियुक्ति हुई थी और ग्रेड 3 पे इनकी नियुक्ति हुई थी और ग्रेड 2 का ये वेतन और ग्रेड 2 का ये सुविधा और पोस्टिंग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। हालांकि इनकी जो फाइल है, फाइल को डायरेक्टर अंजनी कुमार सिंह ने अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि अगर उनके पास फाइल रहेगी तो कोई देख नहीं सकता है, कोई जांच नहीं सकता है। तो जब उनके ऊपर उनकी फाइल ही उनके किसी को नहीं पहुंचेगी तो उसके ऊपर कोई जांच भी नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि डायरेक्टर ने फाइल को अपने पास रखा हुआ है और अंजनी कुमार को नोएडा जैसे पॉश इलाके में जी बिल्कुल, क्योंकि पंकज यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि जो डायरेक्टर हैं उन्हें पता है कि उन्होंने जिसे पोस्टिंग दी है उनके खिलाफ कई विभागीय जांच चल रही है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, FIR तक दर्ज है। ये सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उन्हें मंडी सचिव की जो पोस्टिंग दे दी है, ये क्या दर्शाता है कि उन्हें सीएम के आदेशों की भी कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, या किसी भी तरह की विभागीय जांच का उन्हें कोई डर नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए जब कोई छोटा कर्मचारी इस तरह के करतूत करता है, उसके बाद जब बड़े अधिकारी इसको संज्ञान में नहीं लेते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण जगह पे पोस्टिंग दे दी जाती है, तो कहीं ना कहीं जो मंडी के डायरेक्टर है उनके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार पूरे प्रदेश की मंडी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो अगर आप इस तरह से कार्य करेंगे तो फिर जो भ्रष्टाचार के जो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी हो या जो कर्मचारी हो, वो कितना हौसला उनका बढ़ता है। इससे साफ पता चलता है कि अगर डायरेक्टर सख्त रूप नहीं अपनाया तो आने वाले समय में बड़े से बड़ा घोटाला भी हो सकता है। जी बिल्कुल, और पंकज ये भी देखा जाए कि जो इनपे पहले आरोप लगे थे वो भी मंडी परिषद के ही लगे थे, दोबारा इनको उसी जगह पर, हालांकि जगह बदल दी गई है लेकिन पोस्ट उनको दे दी गई है। जी बिल्कुल, इनको सख्त आदेश था कि इनको संबंध मुख्यालय पर संबंध रखा जाए, और आप देख सकते हैं कि लेटर में लिखा हुआ है कि मुख्यालय पर संबंध थे, उसके बाद इनको नोएडा जैसे पॉश इलाके में इनको मंडी सचिव का पद दिया गया। तो बहुत ही गंभीर विषय है और इसको लेकर इंडिया न्यूज लगातार खबर कर रहा है, और आने वाले समय में देखा जाएगा कि जो डायरेक्टर ने इस तरह से इनको किया है तो क्या आगे चल के क्या इस पर फैसला होता है। जी बिल्कुल।